Hey guys, welcome back to Pooja's family channel and I'm Pooja. So guys, आ गया है जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग पार्ट 2। तो चलिए आप लोग देख लीजिए कि इस ब्लॉग में क्या क्या हुआ, तो हमने इस ब्लॉग में क्या क्या किया है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को ये चीज़ सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये हमने सजाया था ठाकुर जी का, यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी का मंदिर। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज मैं किचन के कामों में लगी थी, तो मैं वहाँ वीडियो बना रही थी। और ये हमारी ये सजाया है, ये हमारी दिव्या ने, यानी कि जो मेरी बड़ी वाली ननद हैं, जो बीच वाली है मीन्स, उन्होंने सजाया है। तो बस काफ़ी अच्छा सजाया, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे सब लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा सजाया। तो उन्होंने झूला वगैरह हर चीज़ पालना वगैरह हर चीज़ बनाया था उनका, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलो बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपनी सबको रेडी करने के लिए। सबको मैं बना रही हूँ कान्हा वगैरह, तो मैंने सोचा था यहाँ अपनी आकांक्षा को भी बनाऊंगी। आप लोग देख ही सकते हो कि आकांक्षा लाइनर लगवा रही हूँ, और आकांक्षा लाइनर लगवाते वक्त बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और इतने अच्छे से लाइनर लगवा रही हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो बस यहाँ आकांक्षा का लग गया है लाइनर। हम लोगों ने सोचा था आकांक्षा को बनाएंगी राधा, बट एक्चुअली हुआ कि आकांक्षा नहीं पहन रही थी कुछ भी चीज़। सुबह मॉर्निंग में भी मैंने उनको तैयार किया था थोड़ा बहुत, तो उन्होंने उस टाइम भी नहीं अपनी फ्रॉक वगैरह पहनी, तो हमने नहीं तैयार किया। तो हमने तीनों लड़कों को, यानी कि आरब को और सिद्धार्थ को और कार्तिक को, उन सबको तैयार किया है। तो यहाँ पर मैं और दीदी थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, तो बस यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ आरब को। आप लोग देख ही सकते हैं मैंने कर दिया ज़्यादातर फास्ट फॉरवर्ड। तो बस हम लोग कर रहे हैं अपने आरब को रेडी, आरब को बना रहे हैं कान्हा जी। तो काफ़ी मज़ा आया गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कल, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जन्माष्टमी स्पेशल में, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैं आरब के लाइनर लगा रही थी, आरब बार बार अपनी आंखें बंद खोल कर रहे थे, मैं कह रही आंखें बंद करो ऐसे करो। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं, अभी देखेंगे, देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर मैंने उनके तेल लगा दिया है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने हल्का हल्का छुटा दिया था। मैं यहाँ लिपस्टिक लेके आई थी, तो आरब कह रहे मैं नहीं लगाऊंगा, पीछे हट गए थे, आप लोग देख ही सकते हो। तो फिर मैंने कहा नहीं आरब, जो भगवान जी बनते हैं तो लगाते हैं, तो बस फिर इसलिए उन्होंने फिर लगवा लिया है यहाँ पे। काफ़ी मज़ा आया मुझे, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रेडी करने में। हम लोगों ने सोचा था कि राधा जी भी बनाएंगे, और एक्चुअली पता है आप लोगों को एक चीज़ और बताएं कि क्या हुआ, कल हम लोगों ने बच्चों को रेडी कर तो दिया, पर बच्चों ने बताया थोड़ी देर के बाद जस्ट उतार ही दिया, बिल्कुल भी उन्होंने कुछ इन्जॉय भी नहीं कर पाया बिल्कुल भी। हम लोगों ने सोचा था बच्चों को डांस वगैरह करवाएंगे, बच्चों को सिर्फ रेडी करने के तुरंत बाद ही बच्चों ने, मैं चली गई थी एक्चुअली, मैं खाना बनाने चली गई थी, मींस 8 बजे मैं चली गई थी अपनी पूड़ियाँ वगैरह सेकने के लिए। ये उससे पहले की क्लिप है, तो मैंने सोचा तो पहले बच्चों को रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं खाना वगैरह सेक लेंगे, उसके बाद डांस वगैरह करा देंगे। तब तक बच्चों ने क्या किया, सारी अपना सामान यानी कि सब चीज़ उन्होंने उतार दिया, कह रहे मॉम ये हटाओ ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस सब चीज़ उतार ही दिया। तो कुछ इन्जॉयमेंट से बच्चों को रेडी करवा दिया था, और हल्का फुल्का डांस किया था बस बच्चों ने, तब तक के लिए मैं वहाँ पे अपना काम ही कर रही थी। तो बस मैंने मतलब शूट भी नहीं कर पाया कुछ भी, फिर बच्चों ने अपने ड्रेस उतार भी दी थी। तो बस यहाँ हम लोगों ने, यहाँ आप सिद्धार्थ को देख ही सकते हैं, वो अपनी मुरली लेके कैसे कर रहे हैं, उन्हें पता था कि वीडियो बन रही है, तभी वो आके मुरली लेके अपने लगे पड़े हैं, और आरब से कह रहे थे कि आरब इधर देखो। तो यहाँ मैं लगा दे रही हूँ उनके पिंक चिक्स कर दे रही हूँ आरब के, और आरब सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहे थे जब बने थे ना कृष्ण जी, सबसे ज़्यादा क्यूट ही लग रहे थे। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर बताना गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में कि तीनों में से, यानी कि तीनों का, हमारे तीनों कान्हा में से कौन सबसे ज़्यादा फेवरेट लगा आप लोगों का, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। तो बच्चे हैं, और बच्चे तो तीनों ही अच्छे लग रहे थे, पर होता है ना किसी का कि क्या बोलते हैं, हाँ हमें ये वाला अच्छा लगा, तो आप लोग ये चीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताना। बच्चे तो तीनों ही अच्छे लग रहे थे, हमारे तीनों कान्हा ही बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस यहाँ पर मैं आरब को रेडी कर ही रही हूँ, यहाँ मैं तिलक लगा दूँगी, मीन्स तिलक कहते हैं क्या कहते हैं उसे, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं। तो बस यहाँ पे आपको हल्का हल्का फ़ोन लग रहा होगा, हिल रहा है, तो यहाँ पे हमारी आकांक्षा ना नीचे खड़ी थी, तो आकांक्षा नीचे खड़े होके ट्राइपॉड हिला रही थी, तो बस इसलिए हल्का फुल्का ट्राइपॉड हिल गया है। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने कर दिया है आरब को रेडी।
सो गाइज मैं तो अपने वही भेस में हूँ जो मैंने सुबह रेडी हुई थी सिर्फ नॉर्मल, तो बस वही भेस में थी, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं रेडी किया, बिल्कुल मैं रेडी नहीं हुई थी बिल्कुल भी, सिंपल सिर्फ वही भेस है मेरा, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ मैं लगा दे रही हूँ अरब के मोर पंख, छोटा सा मोर पंख था तो मैंने वही लगा दिया, अरब के मोर पंख अरब हो चुके हैं रेडी, मुरली भी उनकी लगा दी है, तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में हमारे अरब कैसे लग रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ सिद्धार्थ को रेडी करने के लिए, तो सिद्धार्थ को मैंने लगा दी है क्रीम, क्रीम पाउडर मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे सिंपल किया था जैसे मुझे आता है वैसे मैंने कर दिया था क्रीम पाउडर लगा के, मतलब ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था बच्चों को, ना ज़्यादा मतलब मैसी वगैरह हो जाए जैसे बिंदियाँ वगैरह जो रखते हैं ना माथे के ऊपर, तिलक वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लगाई थी, सिर्फ एक सिंपल सा तिलक लगाया था माथे पर और हल्का हल्का गालों को ब्लश कर दिया था, ज़्यादा मैंने नहीं किया था उन लोगों को बिकॉज मुझे मालूम ही था कि वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाए तो जस्ट उतार ही देंगे अपना सामान, तो बस यहाँ पे मैं अरब के तिलक लगाने की रेडी तैयारी, वो सॉरी सिद्धार्थ के तिलक लगा रही हूँ, उनके बाल पूरे माथे पे आ रखे थे इसलिए वो बाल हटा रही थी मैं। सो गाइस हो गए हैं हमारे सिद्धार्थ भी रेडी, तो मैं सिद्धार्थ से कह रही थी सिद्धार्थ हंसना जरा, तो सिद्धार्थ की हंसी देखो एक बार आप देखना, उसके बाद में हंसी देखना आप लोग। आप लोग देख ही सकते हो उनकी हंसी। सो गाइस वॉइस ओवर पे भी मुझे बहुत हंसी आई थी। यहाँ पे हमारे छोटे काना, तो बस यहाँ हमारे आकांक्षा, देखो आकांक्षा रेडी, आकांक्षा ने लाइनर लगवा लिया, उसके बाद कुछ रेडी भी नहीं हो पाई, लहंगा वगैरह पहनाने की सोची थी, उन्हें लहंगा लेके भी आ गए थे बट उन्होंने नहीं पहना, वो बार बार यही कहती है इसे उतारो उतारो, आप लोगों को आगे के वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा जब मैंने उन्हें मॉर्निंग में रेडी किया था ना तब की, तो बस यहाँ पे सब लोग पिक क्लिक करवा रहे थे तो मैंने पिक की जगह सबकी वीडियो ही बना ली है। सो गाइज ये हैं हमारे तीनों कान्हा जी और हमारी चाची, मैंने कार्तिक की भी बनाई थी वीडियो, एक्चुअली हुआ क्या वो सेव ही नहीं हो पाई और उसमें स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, तो वो डिसकनेक्ट होके मीन्स वो सेव नहीं हुई, वो अनसेव्ड हो गई थी वो वीडियो, मैंने उनकी भी बनाई थी कार्तिक की भी वीडियो, तो बस यही है, ये है मॉर्निंग की हमारी आकांक्षा की, मैंने मॉर्निंग में आकांक्षा को रेडी कर दिया था, ये फ्रॉक मैंने उन्हें पहना दी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी ये वाली फ्रॉक, तो मैंने उन्हें पहना दी थी, बट इसके जस्ट तुरंत बाद आप लोगों से मैं बताऊँ, सिर्फ मैं जस्ट अभी रेडी करके लेके आई हूँ उन्हें और बस थोड़ी देर के बाद वो फ्रॉक को उठाने लगेंगे, मीन्स उतारो इस फ्रॉक को, ऐसी चीज़ें वो नहीं पहनती हैं, मे बी शायद उन्हें गर्मी लगती हो, होता है ना बच्चों का क्या कि नहीं पहना जाते हैं ऐसी हैवी चीज़ें, तो बस यहाँ मैं उनकी वीडियो ही बनाती जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ आकांक्षा इधर देखो इधर देखो, तो बस थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, हमारी आकांक्षा काफ़ी सुंदर लग रही थी इस वजह से थोड़ी वीडियो बना ली है मैंने। तो बस आप लोग देख ही सकते हो कि आकांक्षा की देखो मैं अभी जस्ट रेडी किया है ना मैंने, अब बस उन्हें उनकी फ़्रॉक उतारूं, तो बस फिर मैंने थोड़ी देर बाद उनकी फ़्रॉक उतार ही दी थी बिकॉज़ जब बच्चे कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ में तो उतार देनी चाहिए वो चीज़, तो चलो कर लेते हैं अपनी रात की पूजा, रात के बज चुके हैं पूरे 12 मीन्स 12 बजने में एक दो मिनट था अभी, तो बस यहाँ मैंने हम लोग आ गए थे, हम लोग सब इकट्ठा हो गए थे, तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मैंने सोचा पहले थोड़ी सी मैं वीडियो बना दूँ पहले फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करें हम लोग अपनी क्लिप, तो यहाँ पे मैंने बना दी है थोड़ी सी वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजाया था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बार बार इससे मन ही नहीं हट रहा था बिल्कुल भी कि हाँ, तो बस यहाँ पे मैं कुछ मैंने कहा चलो मेरी भी पिक क्लिक कर लो थोड़ी बहुत, तो पिक की जगह वीडियो ही बन गई है यहाँ पे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, बिल्कुल मन ही नहीं हट रहा है बिल्कुल भी उस चीज़ से, हमें बिल्कुल मन भी नहीं करता कि हम लोग उसे सजावट को हटाएँ आज, बट क्या करें एक्चुअली हटानी ही पड़ी, तो बस यहाँ पर हम लोग रेडी हैं बलून ले के, यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, तो बस मैंने रख लिया सर पे पल्ला। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kana ji, happy birthday
सो गाइस यहाँ पे अब हो रही है हमारे ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी। तो यहाँ पे पंचामृत में इन्हें नहलाया जा रहा है, यानी कि माखन माखन जिसे कहते हैं ना, माखन टाइप का बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पंचामृत बनाया जाता है, तो उसी में नहलाया जाता है ठाकुर जी को। तो दोनों ठाकुर जी अब नहला लिए हैं, मम्मी ने और दिव्या ने भी नहला ही लिए हैं। तो बस अब उन्हें पहना देंगे कपड़े, उनके नए वाले यानी कि नई ड्रेस पहना दी जाएगी। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से ही पूजा होती है, सब मिलजुल कर किया जाता है। और ये सारा सामान, मतलब कि हमारे यहाँ जो सामान हम लोग बनाते हैं ना, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा मान्यता होती है, तो उसी चीज़ सामान को काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पहना दिए, यहाँ हो गए हमारे ठाकुर जी रेडी। आप लोग देख ही सकते हो, हमारे हो गए कान्हा जी, प्यारे प्यारे कान्हा जी रेडी हो गए हैं। तो बस अब उन्हें बैठा भी दिया है अपनी झूले में, यानी कि तो मम्मी ने भी यहाँ बैठा दिया है। और दोनों कान्हा जी की ड्रेस देख आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल सेम आई है। तो बस यहाँ पे अब यहाँ पगड़ी भी लगा ली है। तो यहाँ आप सब लोग कर रहे हैं तिलक लगाएंगे, उस दिन उसके बाद प्रसाद यानी कि भोग खिलाएंगे और फिर पंचामृत पिलाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्रसाद में, जितना भी प्रसाद होता है ना, वो सारा प्रसाद चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। आप लोग देख ही सकते हो कि पंचामृत पिलाया जा रहा है यहाँ पे। तो बार बार ठाकुर जी की एक्चुअली क्या हुआ, वो झूले में बैठे थे ना, तो बार बार उनकी पगड़ी हिल रही थी, तो वो गिर जा रहा था, पगड़ी गिर जा रही थी। तो बस यहाँ पर मम्मी पिला रही हैं, तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ टीका करने के लिए। मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ टीका। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने तो फास्ट रख ही नहीं पाया था, तो मैंने सोचा चलो मैं पूजा तो कर ही सकती हूँ ना, तो मैंने फिर पूजा कर ली थी। और हम लोग पूरे रात के 12 बजे तक बिल्कुल भी सोए नहीं थे, क्योंकि हम लोग जो रोज़ डेली हम लोगों का नियम है 12-12:30 बजे सोने का, जब से दीदी आई हैं तब से। तो हम लोगों को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और तुरंत बहुत ही जल्दी 12 बज गए हमारे, बहुत ही जल्दी। तो बस अब कर ले रहे हैं, अब आरती कर लेंगे अब सब लोग मिलके। यहाँ पे हम लोग, मैंने बलून फोड़ा है, तो बस अब कर लेंगे आरती। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ना, आप लोगों के लाइक आ रहे हैं। सो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए गाइज़, मैं चलती हूँ, मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि फ़र्स्ट पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाइए और चेक करिए फ़र्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे दिव्या घुमा दे रही हैं आरती। तो बस कुछ इस तरीके से ही हम लोगों ने किया सेलिब्रेट, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आया। सो गाइस, चलो कर लेते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और आप लोग बने रहे मेरी वीडियो पे। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, लव यू गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बहुत ही मायने रखता है। सो गाइस, चलिए बाय बाय। सो गाइस, कर लेते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। हो चुकी है हमारी पूजा, रात को हो चुके हैं 12:30। तो बस अब हम सब लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ मैं कर लेती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। तो गाइस चलो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो पर आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय बाय। ये देखो ये क्या कह रही हैं, खाना बना दो हमारे लिए। सो गाइस, दिव्या ने रखा है आज फास्ट, तो पूरा दिन भूखी है। चाची ऐसे इधर से भाग तो चली निकल तो गई है, पर शीशे में मिरर में पूरी दिख रही हैं। सो गाइस चलो, ये देखो ये जा रही हैं अपनी पूरी और सब्जी खाने के लिए। सो गाइस चलो, कर लेते हैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, लव यू ऑल।